नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। अरे रुको ना, क्या कर रही हो? मेरना देख लेगी तो? अरे देख लेगी तो देख लेने दो, वैसे भी तुम काम के सिलसिले में ना महीना महीना भर घर से बाहर रहते हो, और तुम्हें पता भी है मैं तुम्हें कितना मिस करती हूँ। कितना मिस करती हूँ? हैं, बोलो। जितना तुम सोचते हो उससे कई 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 ज्यादा। ओहो, अभी गिर जाती तो तुम्हें मैथ का एग्जाम ना देने का बहाना मिल जाता। पापा, आपको मेरे और मेरे मैथ्स वाले कुछ और नहीं सोचता है? जैसे तेरी मम्मी को रोमांस कराओ कुछ नहीं सोचता, उसी तरह मुझे मैथ कराओ कुछ भी नहीं सोचता। हाय सर। हेलो हेलो। हाय मैम। देखो तेरे सर आ गए। सर, ये लाडली बेटी इस बार मैथ के एग्जाम में पास हो जाएगी ना? पापा देख, इस बार मैं पास बल्कि मैथ में टॉप करूंगी, फिर आपको मुझे गोवा लेके जाना पड़ेगा, मंजूर? डन। इस बार तुम अच्छे नंबरों से पास हो जा, तुम्हें और तुम्हारी मम्मी को गोवा जरूर घुमाऊंगा। यार क्या करूं, कॉलेज भी खत्म हो गए हैं और कहीं जॉब भी नहीं लगी, ना नहीं ये स्टडी का लोन कैसे चुका पाऊं। सुना कहीं हुई जॉब की बात? यार तुझे अच्छे से पता है मुझे और स्टूडेंट चाहिए, तभी मैं अपना लोन चुका पाऊंगा। प्लीज यार देख, कुछ भी हो प्लीज मेरे लिए जॉब दे प्लीज। यार पता नहीं उस क्यूट लुंगी लड़के से कब मुलाकात होगी। सीरियसली, ही इज सो क्यूट, लगता है मुझे रोज अब रनिंग के लिए जाना पड़ेगा उस क्यूटी को ढूंढने के लिए। ये लीजिए जी। मैं कमरे में जाती हूँ, आप लोग पढ़ाई कर लीजिए। ये लीजिए जी। क्या करूं, ये मेघना की माँ तो पीछे ही पड़ गई है, बार बार डोरे डाले जा रही है। क्या करूं, जॉब छोड़ दूं या ना छोड़? अरे सर, हाय। काफी दिनों बाद।
सर वो मैं जॉब ढूंढ रहा था। तुम तो क्लास टॉपर हुआ करते थे ना, तुम्हें अभी तक जॉब ही नहीं मिली। असल बात क्या है ना सर, मेरे पास कोई बड़ी सिफारिश नहीं है। कोई बात, तुम टेंशन ना लो, तुम्हें अच्छी जॉब मिल जाए। सर आप तो इतने सारे ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो स्टूडेंट मुझे दे दीजिए, अभी थोड़ा सा काम कर लूंगा। क्या मैं इसे मेघना के घर भेज दूं? एटलीस्ट उसकी माँ से भी छुटकारा मिल जाएगा। क्या हुआ सर? हाँ नहीं, वो मैं अपने स्टूडेंट्स के बारे में सोच रहा था कि कहाँ पर मैं तुम्हें अपनी रिप्लेसमेंट बनाकर भेज सकता हूँ। तो कोई ध्यान में आया आपके? पर मेघना मैथ में बहुत वीक है और मुझे नहीं लगता कि मेरे अलावा उसे और कोई भी पढ़ा सकता है। सर हाँ नहीं, फिलहाल अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई रिक्वायरमेंट आती है टीचिंग की तो मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है। हेलो, रिजल्ट आ गया है, चेक कर ले स्कूल की वेबसाइट पे। यार मुझे मम्मी इतना हिम्मत नहीं चेक करने का, तू देख के बता ना, वैसे भी तुझे मेरे सीट का नंबर तो पता ही है। ओके। यार तू तो फेल हो गई। व्हाट? फेल हो गई? यार मैंने कितनी मेहनत की थी, दिस इज नॉट डन यार। कोई बात नहीं मेघना, ये कौन से फाइनल एग्जाम थे? अरे हमारे पास अभी बहुत टाइम है और हम इजीली ये क्लियर कर लेंगे, ट्रस्ट मी। राजीव, मेरी बेटी को अकेला देके झपटा मारने की कोशिश करे, रेप करने का इरादा है क्या? नहीं मैम। क्या नहीं, क्या नहीं? तेरी बेटी की उम्र की है मेरी बेटी। चल निकल यहाँ से, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। चल निकल यहाँ से, निकल, अब दूसरी बार ना आना मत यहाँ पे। मैं रेपिस्ट हूं, मैं रेपिस्ट? हाउ डेयर शी, हाउ डेयर शी? एक तो मुझे रिझाए जा रही थी, बार बार रिझाए जा रही थी, और ऊपर से मुझे ही झेल रेपिस्ट बनाती। खूबसूरत नहीं हूं पर सुनीता ये काम तूने बहुत ही अच्छा किया है, जो उसको रंगे हाथों पकड़ के थक्के मार के बाहर निकाल दिया। अब तू अपने मन चाहे ट्यूशन टीचर को बुला सकती है। हेलो बेटा, कैसी पढ़ाई चल रही है? क्या क्या हुआ बेटा? पापा वो राजीव सर ने। राजीव? क्या क्या राजीव ने? पापा उन्होंने मुझे अजीब तरीके से छुआ। तुम्हारी मम्मा कहाँ थी? नहीं वो तो सही वक्त पे आ गई, तो वो कुछ नहीं कर पाए। बेटा तुम रो मत, मैं उस राजीव को छोड़ूंगा नहीं। पापा आप कुछ भी नहीं करोगे, ऑलरेडी मम्मी ने उन्हें धक्के मार के बाहर निकाल दिया और जॉब से भी निकाल दिया। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मम्मा से बात करता हूँ।
कितनी खूबसूरत हूं मैं, ऐसी औरत को तो कोई भी नहीं, नहीं नहीं औरत नहीं लड़की तो कोई भी हैंडसम लड़का मिलेगा। अब ये क्यों कॉल कर रहे हैं? सुनीता, इतना सब कुछ घर में हो गया और तुमने मुझे कुछ बताया नहीं? अरे क्या कह रहे हैं आप? मेघना ने मुझे सब कुछ बता दिया है उस राजीव के बारे में। हाँ, मुझे पता नहीं था कि राजीव की नजर है ना हमारी बेटी पर थी, और जैसे ही मुझे पता चला, ये तो भगवान का शुक्र है कि मैं समय पे पहुंच गई। ठीक, तुम रो मत, मैं अभी कभी टिकट करवा के आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना मेघना के पास, और मैं ना ट्यूशन टीचर भी दूसरा ढूंढ लूंगी। अरे मैं आ रहा हूँ ना। अरे क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है कि मैं अकेली मेघना का ध्यान रख सकती हूँ? अरे ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसा है? अच्छा ठीक है, मैं नहीं आ रहा हूँ। आप है ना अपने काम पर ध्यान दीजिए, और मैं है ना मेघना पे ध्यान देती हूँ। ठीक है? ठीक है, तुम भी अपना ध्यान रखना और मेघना का भी। हाँ ठीक है ठीक है, ओके बाय। मेघना ये क्या कर रही है? आप मेरे लिए ढंग का टीचर भी नहीं ढूंढ सकती हैं। मेघना बेटा सुनो सुनो यार, आंचल कोई मैथ्स का ढंग का टीचर है तो मुझे बता, ये मैथ्स ने ना घर की शांति भंग कर रखी है। यार एक लड़का है, मुझे रीचा ने बताया था कि उसके बेटे को स्पेशली मैथ पढ़ाने आता है। ठीक है तो नंबर देना मुझे प्लीज। हाँ हेलो जी, मैं सुनीता बोल रही हूँ, मुझे मैथ्स ट्यूशन के बारे में आपसे बात करनी थी। ओके अरे सर क्या हाल बना रखा है आपने? मेरे इस हाल की जिम्मेदार ना इस घर में रहने वाली औरत। मैं कुछ समझा नहीं सर। तू मत समझ, तू बिल्कुल भी मत समझ, क्योंकि कोई भी समझ ही नहीं रहा है। तू सिर्फ मुझे इतना बता, तू इस जादूगरनी के घर में क्या कर रहा है? तो क्या है सर, मुझे इस घर में मैथ पढ़ाने के लिए बुलाया। आपको तो पता ही है, जो इस घर में पहले टीचर थे ना, उन्होंने इनकी बेटी के साथ रेप करने की कोशिश की। कोई हैवानी होगा जो एज अ टीचर ऐसी हैवानियत कर सकता है? वो हैवान मैं ही हूँ, मैं ही हूँ वो हैवान। क्या कह रहे हैं सर आप? सबको लगता है कि मैंने रेप किया है, पर मैंने रेप नहीं किया है। इसलिए तू भी इस घर से दूर रहे, वरना ये औरत तुझे भी रेपिस्ट बना देगी। वाह सर, आपको इस घर से धक्के मार के निकाला है, पर आप चाहते हैं कि मैं ये नौकरी ना करूं। आप रेपिस्ट हैं, मैं नहीं। क्या मैं रेपिस्ट हूं? हाउ डेयर यू सर। हाथ जोड़िए, आपको इस घर में नहीं पढ़ाने दिया, आप मुझे भी नहीं पढ़ाने देना चाहते। सेल्फिश यू आर। मैं सेल्फिश नहीं हूं। पर बातें तो सेल्फिश वाली कर रहे हो ना। गौरव देख, मैं तेरी भलाई की बात कर रहा हूं। तू इस घर से दूर दूर रह। इस घर से सर आप इस घर से दूर रहिए, और मुझसे भी। मुझे ना आपके बताने से पहले ही आपके कारनामों के बारे में पता चल गया था। अच्छा हुआ आपने अपने मुंह से बता दी। सर मुझे अच्छे से पता है कैसे आपने मेघना के ऊपर डोरे डालने की कोशिश की, और जब आपका बस नहीं चला फिर आपने उसके रेप करने की कोशिश की। गौरव तुम अपनी हदें पार कर रहे हो। हद आप पार कर रहे हैं सर, पर आप मुझे कह रहे हैं
क्या मैं हदें पार कर रहा हूँ? How dare you? सर अगर आप मेरे टीचर ना होते ना तो इस गुस्ताखी के लिए ना आपको अच्छा सबक सिखाता। आप जाइए। तू एक दिन बहुत पछताएगा, बहुत पछताएगा तू गौरव। लेकिन अब तक वक्त निकल चुका होगा, निकल चुका होगा। मेघना, 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 जरा देख तो कौन आया है। मेघना भी ना। हेलो आंटी, तो मैं मेघना के ट्यूशन के लिए आया। आइए सर, आइए। मेघना, ये तुम्हारे मैथ्स ट्यूशन टीचर गौरव सर। हाय सर। हेलो। आप लोग क्लास शुरू कीजिए, मैं जूस लेकर आती हूँ। सर आप बैठिए, मैं बुक्स लेकर आती हूँ। सर अलजेब्रा में बहुत प्रॉब्लम है। कैसे लगे तुझे मैथ सर? मुझे सर पसंद है। मुझे भी। एक वो राजीव था जो मेरी खूबसूरती को समझ ही नहीं पाया, और एक गौरव जो मेरी खूबसूरती देखता ही रह गया। लोग सही कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर राजीव नहीं जाता तो गौरव नहीं आ पाता मुझे निहारने के लिए। हाय यार, मैं नहीं आ पाऊंगी और एग्जाम्स भी आ रहे हैं। एंड यू नो ना, मैं मैथ में कितनी वीक हूँ। सॉरी यार, मैं नहीं आ पाऊंगी, चल बाय। अरे क्या हुआ मेघना बेटा, जा क्या हो ना पार्टी में? नहीं मम्मा, मुझे नहीं जाना। अरे बेटा, एक दिन चली जाओगी तो कोई स्कोर में इफेक्ट नहीं होने वाला है। एग्जाम्स आ रहे। अरे इट्स ओके बेटा, देखो जाओगी तो फ्रेश फील करोगी, ठीक है? जाके आओ, अच्छा लगेगा। ठीक है। Thank you.
यार कहीं ये राजीव सर की तरह सुनीता मुझ पे तो रेप का इल्जाम ना लगा दे। अरे नहीं नहीं, बस आएगी तो तब जब मैं माँ को छोड़ के पेटी पे डोरे डालूंगा। आज हमारी स्टूडेंट ही चेंज हो गई। वो क्या है ना, शरीफ बच्चे घर के बाहर और शैतान घर पर। आज आप ही बताइए, मैथ पढ़ना है फिर कौन से सब्जेक्ट में अच्छे हैं? बोलो। मैथ्स या बायोलॉजी? आज सुनीता को अपने नए लोग से सरप्राइज देता हूँ। बहुत हुआ है पुराने कप पुराना लोग फॉर्मल्स में लाइक अ मैन लग रहा हूं ना, लाइक अ मैन। यार ये सर अभी तक आए क्यों नहीं? 20 मिनट से ज्यादा हो गया आज तो। अच्छा नहीं लगा? Now I feel like a man. टीचर हूं, थोड़ा उस रोल को भी प्ले करना चाहिए। गौरव सर, मेघना सर है ना, अब बड़े हो गए हैं। लगता है मुझे अभी मैथ के साथ साथ ना कुकिंग क्लासेस भी देनी पड़ेगी। सर आप ही देखो और इसे सिखाओ कि चाकू कैसे पकड़ते हैं। आप देखती जाओ, 5 मिनट में सारे सब्जी काट दूंगी। अच्छा देखो ना बताओ। अच्छा मेघना मैं चलता हूँ, वो हम क्लास कल कर लेंगे। एक्चुअली में वो मुझे टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना है ना, कहीं इन्फेक्शन ना फैल जाए। औरत मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ डॉक्टर के पास। मैं चला जाऊंगा, इतना बड़ा कट नहीं है। अरे इतना बड़ा कट है, दिखाओ। नहीं मैं चला जाऊंगा। मम्मा का सर के लिए इतना कंसर्न देख के कुछ भी समझ में नहीं, मुझे सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। यार बहुत रूड बिहेव किया मैंने सुनीता के साथ, उन्हें बात कर लेते हैं। उसको तो पता भी नहीं मैंने ये क्यों किया। मेघना पीछे खड़ी थी ना, तो फोन में बात करता और बता दो ये सब कुछ।
बोलो आप क्या है? कुछ नहीं यार, वो दरअसल मेघना पीछे खड़ी थी तो शायद इसलिए मैंने तुमसे रूड बिहेव किया। हाँ मैं समझ गई थी, तुम टेंशन मत लो, मैं कोई नाराज फारस नहीं हूँ। हाँ पर तुम कल जल्दी आ जाना घर पर। जल्दी नहीं, मैं बहुत जल्दी घर आऊंगा। ओके बाय, सी यू। मुझे लगता है मोच आ गई है, बहुत दर्द हो रहा है, चला भी नहीं जा रहा है। गौरव सर, आप मेघना को रूम में लेकर जाइए ना, मैं अभी गर्म पानी लेकर आती हूँ। हो रहा है। ये गरम पानी का सेक कर लेना और ये दूध पी लेना, जल्दी ठीक हो जाओगी। सुनो, तुम जाओ। मैं भी देखती हूँ कि तुम मुझे कैसे मनाते हो। लगता है सुनीता को मनाने के लिए लेके जाना पड़ेगा। सॉरी सॉरी सॉरी। ये लो मेघना, देखो ना बेचारे सर, कब से कह रहे थे कि मैं तुम्हें फ्लावर्स दे आऊं और खुद शर्मा रहे थे। लो और तुम भी आ गई। थैंक यू सो मच सर, ये फ्लावर आप मेरे लिए लेकर आए हो। ये फ्लावर्स मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था, तुमने उसको दे दिए। अब मुझे पूरा खेत मिल रहा है तो मैं एक आम के लिए क्यों लड़ूं? नाउ वेट एंड वॉच।
आज मैं सारा काम खत्म करके ही दम लूंगा, सारा काम खत्म कर दूंगा। सीधा होके बैठ जा गौरव, अगर इस बार सुनीता ने दोबारे से देख लिया ना तो मेघना तो कुछ नहीं कहेगी पर तेरा घर आना बंद कर देगी और सुनीता को मैं खो नहीं सकता। हेलो, कैसी हो तुम? जी आप कैसे हैं? मैं एकदम ठीक हूँ, और मेघना कैसी है? मेघना ठीक है, वो मैथ्स क्लास में, मैं अभी बुला कर लाती हूँ। जी मेघना, पापा का फोन आया, बात कर ले। गौरव तुम क्या कर रहे हो? मेघना देख लेगी। कोई नहीं देखेगा, क्या आशिकों को प्यार करने से भी रुकेगा कोई? अरे पप्पू जैसी हरकतें मत करो, मेघना देख लेगी ना। अरे मैं पापा को वीकली टेस्ट के मैथ के मार्क्स बताना तो भूल ही गई। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है, तुम बैठो। चलो आज के दिन पढ़ाई बहुत हो गई है, अब तुम्हें गर्मा गर्म दूध पी। अच्छा तो मैं चलता हूँ। देखना मैं डोर बंद करके आती हूँ। पता नहीं ये दूध है कि एनेस्थेसिया, पीते ही नींद आ जाती है। मम्मी से पूछती हूँ गौरव के बारे में, जरा देखो तो उनके क्या व्यूज है गौरव को लेके। Come on. Yeah. मेघना, 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 हेलो टीचर, टीचर। यस स्टूडेंट। टुडे आई कैन नॉट कम टू स्कूल क्योंकि घर पर कोई नहीं है। पर ऐसे तो पढ़ाई पीछे छूट जाएगी। तो आप आ जाइए ना पढ़ाने मुझे। आना ही पड़ेगा बच्चा, ऑन माय वे। ओके
राजीव तुम? राजीव निकलो मेरे घर से बाहर, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। अभी बुलाओ बुलाओ बुलाओ। वैसे भी मेरी तो कोई इज्जत बची है नहीं, तो और बदनामी ही सही। बुलाओ अभी बुलाओ। लेकिन उससे पहले ये वीडियो जरा एक बार देख लो, क्योंकि इसको शेयर करने के बाद किसकी कितनी बदनामी होगी ये जरा सोच लो। अरे रे 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 रे, ये क्या कर रही हैं आप सुनीता जी? मैं कोई चोर ठग या कोई डाकू थोड़ा ना हूं, मैं तो एक रेपिस्ट हूं। और रेपिस्ट का तो काम ही होता है इज्जत लूटना। तो आप कहां मुझे ये सोना चांदी ऑफर कर रही हैं? राजीव मैं तुम्हारे हाथ जोड़ दूं, प्लीज मुझे माफ कर दो। वक्त वक्त की बात है सुनीता जी, तो कमरे में चलें या यही सब कुछ करना है? प्लीज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। एक वक्त था जब तुम मुझे दिखाती थी, बार बार दिखाती थी, और मैं उस समय देखता नहीं था। लेकिन आज मैं देखना चाहता हूं, बार बार देखना चाहता हूं, लेकिन तुम होके छुपा रही हो। राजीव प्लीज प्लीज राजीव राजीव छोड़ो ना मुझे, प्लीज 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 राजीव प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ राजीव। सुनीता आज तो तेरे इस आशिक ने सारा का सारा मजा खराब कर दिया, लेकिन मैं कल फिर आऊंगा अपना अधूरा काम पूरा कर, समझी? बेटी के बारे में तो मैं भूल ही गया, क्या कहा था इसकी माँ ने कि मैं बेटी का भी रेप करना चाहता हूं? चलो वो भी कर लेते हैं।